नमस्कार, एमटी लाइव के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। ये एमटी लाइव का हमारा मधेपुरा पर दूसरा एपिसोड है, और मधेपुरा पर हमने पहला जो एपिसोड किया था मधेपुरा जिले इससे संबंधित जानकारी, दौरम मधेपुरा कैसे नाम पड़ा या फिर मधेपुरा जिला कब बना, कब अनुमंडल बना, इस पर एक विस्तृत चर्चा हमने की थी। और चर्चा के लिए हमारे साथ 100वें एपिसोड में, वो एमटी लाइव का 100वां एपिसोड था, लेकिन मधेपुरा पर हमारा पहला एपिसोड था, मधेपुरा पर आज हमारा दूसरा एपिसोड है। और मधेपुरा पर इस एपिसोड के लिए हमारे साथ, मधेपुरा पर जो भी एपिसोड चलेंगे अभी तक, उस एपिसोड के लिए हमने मधेपुरा के जानकारी के, नॉलेज का, जिनके पास खजाना है, ट्रेजरी है, उन्हें हमने डॉक्टर भूपेंद्र नारायण यादव मधेपुरी सर हैं हमारे साथ, और इनका परिचय हम पिछले एपिसोड में भी आपसे करा चुके हैं और एक बार फिर हम इनका परिचय कराएंगे। लेकिन इससे पहले एक बार हम, चूंकि हम एक बार साउंड की क्वालिटी और फिर हमारी जो वीडियो क्वालिटी है, मतलब विजुअल क्वालिटी जो है, एक बार हम आपसे जान लेना चाहेंगे कि क्या ये सही है। बिल्कुल अगर सही है तो कोई टिप्पणी इस पर करें कि ये बिल्कुल सही है। और आज जो हम एपिसोड आपके पास ला रहे हैं, इस एपिसोड को जानकर आप हैरान हो जाएंगे। मधेपुरा के बारे में, मधेपुरा जिला बना, मधेपुरा कब बना, दौरम मधेपुरा के बारे में थोड़ी जानकारी आपको पहले से भी रही हो सकती है, लेकिन आज जिस एपिसोड की हम चर्चा करेंगे डॉक्टर मधेपुरी सर से, उस एपिसोड के बारे में हमें लगता है कि बहुत अधिकांश लोगों को जानकारी नहीं होगी, जबकि हम आपको दावे के साथ कह सकते हैं कि ये जानकारी आपको होनी ही चाहिए थी। मधेपुरा के आजादी के संग्राम में अगर कोई शहीद होता है मधेपुरा का आदमी, और उसके बारे में अगर हम ना जाने, तो हमें लगता है कि ये बिल्कुल सही नहीं है, हमें जानना ही चाहिए। क्योंकि मधेपुरा के इतिहास को हम जानेंगे तब ही मधेपुरा के वर्तमान को भी हम समझ सकेंगे। और हम एक बार, चलिए, टिप्पणियां आने लगी हैं, राइट है, सही है, टिप्पणियां सही, साउंड क्लियर है, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। और करीब दर्जन भर लोग जुड़ गए हैं, और हमें लगता है कि जल्द ही इस रोचक एपिसोड को, ये अद्भुत एपिसोड को, जो आज का एपिसोड हमने इसके कैप्शन में ही लिखा कि मधेपुरा के भगत सिंह कहे जाने वाले शहीद चूल्हाए की बहादुरी की गाथा डॉक्टर मधेपुरी के साथ। और हम एक बार फिर से, हमारे साथ जो विद्वान है जिस पर हम चर्चा करेंगे, जिन्होंने बड़ी करीब से इसके शहीद चूल्हाए, जो मधेपुरा के भगत सिंह कहे जाते थे, और कहने का मतलब कि इन्होंने अपने जीव, एक महज छोटी से उम्र में, बिल्कुल छोटे से उम्र में इन्होंने अपने जान की कुर्बानी अगर अपने वतन के लिए दे दी, अपनी मिट्टी के लिए दे दी, तो हम समझते हैं कि इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती है इस कम उम्र में। और इसके लिए हम फिर से एक बार आपका परिचय कराते चले, बिल्कुल संक्षेप में, आप सब जानते हैं, लेकिन फिर से एक बार हम कह दें कि हमारे साथ हैं डॉक्टर भूपेंद्र नारायण मधेपुरी सर हैं, भौतिकी के प्रोफेसर रहे हैं, बीएनएमयू में विकास पदाधिकारी, परीक्षा नियंत्रण, कुलानुशासक, कुल सचिव आदि विभिन्न पदों को इन्होंने सुशोभित किया है। मधेपुरा के साहित्यिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में लाइफलाइन के रूप में मौजूद रहे हैं, यहां तक कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से लेकर के मधेपुरा की कई नामी हस्तियों का इतिहास भी लिखकर उन्हें अमृत प्रदान किया है। और इनका मानना है कि जो करेंगे, जो मधेपुरा का विकास करेंगे, उन्हें ये सम्मानित करेंगे। और इसके साथ ही इन्हें इसी, इन्हीं वजहों से, जो इनका जो एक नॉलेज है और बाकी सारी चीजें हैं, इन्हीं वजह से इन्हें मधेपुरा के बहुत सारे लोग मधेपुरा का कलाम या मधेपुरा के भीष्म पितामह भी कहते हैं। डॉक्टर मधेपुरी सर, आपका स्वागत है एमटी लाइव में, हमारे ढेर सारे दर्शक यहां मौजूद हैं। राकेश जी सर, मैंने पहले एपिसोड में जी मधेपुरा और दौरम मधेपुरा के बारे में सर जो मेरी जानकारी थी विस्तार से मैंने दी जी। इस एपिसोड में जितने भी दर्शक मधेपुरा टाइम्स के हैं जी, मैं सबसे पहले उनको हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उनका जी स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं सर। और इस एपिसोड में, दूसरे एपिसोड में जी, मधेपुरा के शहीद भगत सिंह कहे जाने वाले क्रांतिवीर चूल्हाए की गाथा और उनके संबंध में बहुत सारी बातें जो 23 वर्ष के
अल्प उम्र में ही उन्होंने देश के लिए कुर्बानियां दी, शहीद हुए, क्यों हुए, किससे प्रेरित होकर हुए, वो 30 जनवरी 1943 का दिन जिस दिन उन्होंने अंतिम सांस ली और उल्टा लटका दिया गया था उनको, 4-5 दिनों तक वृक्ष के मोटे डाली से उल्टा लटकते रहे, नाक मुंह कान से खून टपकता रहा और वो सिर्फ इतना ही बोलते रहे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, और अंतिम सांस उन्होंने यही कहते हुए ली। उन्हीं के बारे में आज मैं विस्तार से आपको बताने जा रहा हूं। हमें लगता है सर एक चीज की, इस तरह जो 23 साल की उम्र में, महज 23 साल, छोटे से उम्र में अगर वो शहीद हो गए और भारत माता की जय कहते हुए शहीद हो गए और उन्हें उल्टा लटका दिया गया, ये हमें लगता है कि शायद जो है वो पहली इस तरह की घटना भी होगी। और हम एक चीज जानना चाहेंगे सर इसमें कि दर्शकों को यह बताना चाहेंगे सर कि क्रांतिवीर चुल्हाय को आजादी की खातिर प्रेरणा और न्योछावर करने की प्रेरणा, मतलब उन्हें प्राण न्योछावर करने की और न्योछावर करने की जो प्रेरणा थी वो कब और कहां से मिली, किनसे मिली थी सर? राकेश जी, मैं दर्शकों को नेपाल की ओर ले जाना चाहता हूं। जी। नेपाल के बिहार जंगल में जी। एक स्थान है बकरों का टापू, वहीं पर एक ऊंची पहाड़ी भी है जी। उस ऊंची पहाड़ी पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो ट्रांसमीटर ऑपरेटर का काम करते थे और देश के क्रांति वीरों को मैसेज भेजते थे, संदेश भेजा करते थे, और नीचे समतल पर जयप्रकाश नारायण वो ट्रेनिंग देते थे क्रांतिकारियों को, आजाद दस्ता के रूप में वहां से ट्रेनिंग देकर क्रांति वीरों को भेजते थे बाहर। और उस समय में उसी आजाद दस्ते में ट्रेनिंग ले रहे थे ये 23 वर्षीय शहीद चुल्हाय, जो क्रांति वीर जो मनहरा गांव के हैं, जिस गांव के स्वतंत्रता सेनानी, प्रखर स्वतंत्रता सेनानी कमलेश्वरी प्रसाद मंडल, वो भी जाते थे वहां, वो कार्तिक प्रसाद सिंह सरोपट्टी के और पचगछिया के राम बहादुर सिंह, मधेपुरा के महताप लाल और बलुआ के राजेंद्र मिश्र, बुलाकी सोनार और जितने भी क्रांतिवीर थे, सबों का नाम तो मुझे याद नहीं है, वो लोग वहां जाया आया करते थे। और उसी में शिवनंदन प्रसाद मंडल जो बहुत बड़े क्रांतिवीर थे मधेपुरा के और प्रथम विधि मंत्री भी बने बाद में बिहार के, जिनके नाम से मधेपुरा में SNPM स्कूल है, जिस स्कूल का नाम पहले सीरीज इंस्टीट्यूट हुआ करता था, उसी में वो पढ़ते भी थे, उसी में वो शिक्षक भी। ये सर सामान्य भाषा में जो जनरल हाई स्कूल जो कह रहे हैं, हाँ, वही सीरीज स्कूल पहले इसका, पहले सीरीज इंस्टीट्यूट नाम था। नाम था, हाँ, 1896 में बना था सर। तो वही शिवनंदन बाबू वहां पर जब पधारे बोकरो के टापू पर, तो वहां जयप्रकाश बाबू ने कहा इनसे कि आज संयोग ऐसा है कि समापन भी है और आप ही की अध्यक्षता में इसका समापन भी होगा और आप सभी क्रांति वीरों को चार्ज भी कर देंगे ताकि ये जाएं तो कुछ अपना जौहर दिखाएं। तो उसी में जब शिवनंदन बाबू अंत में शपथ ग्रहण कराए सभी लोगों को, और शपथ ग्रहण कराने के दरमियान क्या कहा उन्होंने, शिवनंदन बाबू ने, उन्होंने कहा कि जब तक जीवित रहूंगा आर्यावर्त के कल्याण में लगा रहूंगा। सबों को शपथ दिलाए, वो आगे आगे बोलते थे और जितने भी वो लोग ट्रेनिंग लिए थे आजाद दस्ता के, वो आंदोलनकारी
उनके पीछे पीछे शपथ ग्रहण करते थे मुट्ठियों बांध करके उठा करके कि जब तक जीवित रहूंगा आर्यावर्त के कल्याण में लगा रहूंगा, भारत की बेबस जनता जो नाना प्रकार के कष्ट भोग रही है उसका उद्धार करूंगा, और यदि आजादी के लिए प्राण न्यौछावर करने की जरूरत पड़ेगी तो पैर पीछे नहीं हटाऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे कितनी भी यातनाएं सहनी पड़े या उसके लिए जितना भी कष्ट शारीरिक कष्ट उठाना पड़े, मैं पैर पीछे नहीं हटाऊंगा, हमेशा भारत माता की जय बोलता रहूंगा, अंतिम सांस तक बोलता रहूंगा। ये रोंगटा खड़े कर देने वाली बात शपथ ग्रहण के रूप में शिवनंदन बाबू ने वहां पर कही थी उस आजाद दस्ता के आंदोलनकारियों को, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और जितने भी नाम मैंने लिया अभी कि कार्तिक बाबू, कमलेश्वरी बाबू, राम बहादुर बाबू और जितने भी लोग का नाम मैंने लिया, उन तमाम लोगों के सामने में ये शपथ ग्रहण कराया गया। तो उसी शपथ ग्रहण के समय आपका प्रश्न था कि वो मैंने अपने प्राण न्यौछावर करने की जो प्रेरणा मिली वो कब मिली, तो ये मिली 1943 मैंने महीना नहीं वो 1943 के शुरुआत में समाप्त हुआ और उसके बाद सभी लोग अपने अपने घर चले गए। तो वही शहीद जो चुल्हाए हुए हैं वो आगे क्या हुआ वो भी मैं आपको बता देता हूं। सर लेकिन एक चीज मतलब कि ये बड़ा ही रोमांचित करने वाला इतिहास आपसे जानकारी मिल रही है, तो ऐसा लगता है जैसे कि मधेपुरा के भी ढेर सारे जो बड़े लोग थे, जो महापुरुष थे, उन्होंने भी आजादी की लड़ाई में जमकर हिस्सा लिया था, खूब लिया था और कहीं से पीछे नहीं थे। भूपेन्द्र नारायण मंडल, शिवनंदन प्रसाद मंडल और उससे भी आगे चले जाइए तो रास बिहारी लाल मंडल, जो पराधीन भारत में स्वाधीन सोच का इतना बड़ा मैंने वो स्तंभ बने थे मधेपुरा के लिए कि उनका कोई जवाब नहीं। हालांकि वो समाज सुधारक थे उच्च कोटि के, लेकिन उससे भी अधिक जब हम लोगों की राजधानी दिल्ली नहीं होकर के कलकत्ता में थी, उस समय में वो कलकत्ता में एसएन बनर्जी और सच्चिदानंद सिन्हा इन लोगों के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्तंभ के रूप में जाने जाते थे। ये धरती है मधेपुरा। ये तो बड़ा हमें लगता है कि जो बिल्कुल गौरवान्वित करने वाले ये लोग थे, जो कि जो वर्तमान में है, अगर उस इतिहास को जानेंगे तो हमें लगता है कि उन्हें इस बात पर पूरा गर्व होगा, अपनी जमीन पर, अपनी मिट्टी पर, अपने मधेपुरा पर गर्व होगा कि मधेपुरा में ऐसे ऐसे भी लोग रहे हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई तक में जो है बहुत ही सक्रिय भूमिका निभाई थी। खूब माने ढेर सारे लोग हैं, जी। अगर उसका इतिहास लिखा जाए तो वो इतिहास देश के दूसरे भाग से अधिक स्वर्णाक्षर में लिखा जा सकता है मधेपुरा, और हाँ वो रोमांचक होगा वो इतिहास। बिल्कुल। हम आते हैं कुछ टिप्पणियों पर, फिर सर से हम आगे और भी चीजें शहीद चुल्हाए, मधेपुरा के भगत सिंह कहे जाने वाले शहीद चुल्हाए के बारे में इनकी बहादुरी गाथा और जानते हैं, आगे क्या कैसे हुआ था, वो कौन सा दिन था, क्या हुआ था उस दिन, ये सब भी जानेंगे हम। लेकिन इससे पहले हम टिप्पणियां लेते हैं, टिप्पणियां ढेर सारी हैं। सीके ओबराय कहते हैं वेलकम सर, प्रशांत कुमार कहते हैं गुड इवनिंग, माधव कुमार कहते हैं राइट सर, पुष्कर कुमार ग्रेट कहते हैं ग्रेट, माधव कुमार कहते हैं मधेपुरा के पुराना हिस्ट्री सुनाने के लिए दिल से शुक्रिया राकेश सर एवं मधेपुरी सर को, नीरज यादव कहते हैं थैंक्स सर, मधेपुरा में रहकर भी नहीं जानते थे। बिल्कुल, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं इस चीज को, और हमें लगता है कि ये सीरीज जो हमारा चल रहा है मधेपुरी सर के साथ, हमें लगता है ये सीरीज आपको जानना ही चाहिए यदि आप मधेपुरा में रह रहे हैं, मधेपुरा से जुड़े हैं, या फिर आप बिहार से जुड़े हैं तो जानिए मधेपुरा का गौरवान्वित इतिहास और इतिहास पुरुष कौन कौन हुए थे, किन्होंने शुरू से आजादी की लड़ाई से लेकर के उसके बाद मधेपुरा को सजाने संवारने में किन लोगों की महती भूमिका रही है, ये जानने की जरूरत है, और बिल्कुल जानिए जिससे कि हम वर्तमान को समझ सकें। एमके मशाल लिखते हैं
राकेश भैया सर से कौशिकी के बारे में जानकारी लीजिए। हम ठीक है सर सुन रहे हैं और हमें लगता है कि एम के मसाल सर ये इस पर भी अलग से चर्चा हो जाएगी। अमरजीत सक्सेना कहते हैं गुड इवनिंग सर जी। हम सर एक चीज इसमें और भी हम जानना चाहेंगे कि क्रांतिवीर चुल्हाए के बारे में जैसा कि अभी भी दर्शक लिख रहे हैं कि वो नहीं जानते थे, मधेपुरा में रह करके भी नहीं। हमें लगता है कि ये इतिहास के पन्नों में दब गए थे क्रांतिवीर चुल्हाए, तो ये इतिहास के पन्ने में दब गए थे और हमें जहां तक जानकारी है कि आपका इसमें बहुत बड़ा योगदान है इन्हें इतिहास के पन्नों से निकाल करके वर्तमान तक में लाने का, तो आपने उस क्रांतिवीर को अमृत प्रदान करने के लिए क्या क्या करने में आप लगे रहे, ये हम जानेंगे। राकेश जी, मैं आपके सुधी दर्शकों को थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूं कि इतिहास बता रहा है कि जब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण उस बकरों के टापू से संदेश भेजा करते थे कि 26 जनवरी 1943 ईस्वी के उस दिन आप सभी अपने अपने वो हेडक्वार्टर में जो इंग्लिश भवन है, ब्रिटिश भवन है, वहां पर भारत माता की जय करें, तिरंगा को फहराएं। तो उसके लिए सुखासन में बुलाया गया कमलेश्वरी बाबू के द्वारा एक मीटिंग रात में, जिसमें ढेर सारे क्रांतिवीर सब उपस्थित हुए। तो कमलेश्वरी बाबू ने कहा कि मैं कल सुबह में झंडा फहराऊंगा इंग्लिश बिल्डिंग जो है ट्रेजरी बिल्डिंग जो अभी वर्तमान में एसडीओ साहब के ऑफिस के ठीक पीछे में है, झड़ा खड़ा मतलब जिला मुख्यालय में जो एसडीओ का कार्यालय है उसके पीछे का जो वो टूटा फूटा जीर्ण जीर्ण सिंह, उसी में पहले स्टेट बैंक का भी ऑफिस था और आधा में ट्रेजरी था, और उसी बरामदा पर उन्होंने कहा कि मैं झंडा फहराऊंगा। लेकिन उसमें कहने लगे लोग कि शिवनंदन बाबू की मैं तो उम्र में सबसे बड़ा हूं, इसलिए यह मौका मुझे मिलनी चाहिए। तो राम बहादुर बाबू ने कहा कि मैं आपसे छोटा हूं, इसलिए मुझे मिलना चाहिए। और अंत में भूपेंद्र बाबू ने कहा कि आजादी की लड़ाई में हर आदमी को सेना और माने सेनापति दोनों का भार दे दिया गया है, इसीलिए कोई बात नहीं है। तो अंत में वो 23 वर्षीय शहीद चुल्हाए क्रांतिवीर उनने कहा कि मेरी उम्र सबसे कम है और मुझे पहचानता भी नहीं है बहुत लोग, नहीं तो अंग्रेजी पलटन के लोग आप तमाम लोगों का चेहरा पहचानता है, इसलिए वो आपको वहां तक जाने से पहले रोक देंगे जी। तो मुझे तो ये बात नहीं होगी। तो उन्होंने एक धोती ओढ़ लिया और आधा पहना और डाण में तिरंगा लेके हाथ में लाठी लेके और चलाया चौक चौराहे पर, वो अंग्रेजी गोरों के सिपाही वो लोग माने ताक में थे कि जो कौन आएगा उधर से क्रांतिकारी, लेकिन ये निकलते चले गए और वहां जाकर वो माने लाठी में तिरंगा लगा करके वंदे मातरम भारत माता की जय कहने लगे ट्रेजरी के बरामदा पर जी। हाँ जी। बस वो लोग सीटी बजाया तो सब माने पलटन सब एक जगह इकट्ठा हो गया और वो माने हिमालय की तरह अचल अडिग टस से मस नहीं हुए, भारत माता की जय कहते ही रह गए। और अंत में क्या हुआ कि उनको माने दोनों पैर में रस्सी बांध करके और दो सिपाही घसीटता हुआ वही डाक बंगला रोड होकर के गया और पीछे से 4-5 सिपाही डंडा बरसाता गया, जैसे माने दीपावली में गाय माल को ऊढ़ नहीं लेता है जी, 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 उसी तरह से ऊढ़ लेते हुए और वहां माने डाक बंगला के अंदर एक बहुत बड़े वृक्ष के डाल में पैर ऊपर और सर नीचे करके जमीन से दो हाथ ऊपर लटका दिया। और एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, लगातार 26, 27, 28, 29 30 तारीख के सवेरे में लगा कि अब इसके मुंह से भारत माता की जय नहीं निकल रहा है तो कदाचित ये अब प्राण त्याग देगा। उसके बाद उसको खोल करके
और जेल ले जाने लगा तो रास्ते में दो जगह जहां पर कि अभी मधेपुरा में शहीद सदानंद का वो स्मारक बना हुआ है उससे दक्षिण वहां पर वो खून वॉमिट किया और जहां पर SNPM स्कूल का गेट है उससे उत्तर थोड़ा बढ़ने के बाद वहां पर वो खून वॉमिट किया और उसके बाद वो जेल में जब गए तो 30 तारीख को ही वो मैंने दुनिया को अलविदा कह दिए शहीद हो गए लेकिन बवाल नहीं हो जाए इसीलिए ये बात प्रसारित कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा कि मैंने बेहतर इलाज के लिए इसको ले जाया जा रहा है बाहर और गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया लाश को लेकर उनके शव को लेकर उनके परिवार को भी लाश नहीं दिया गया तो ये कहानी है उस समय की उनके यातनाओं को सहने की मैंने शारीरिक कष्ट भोगने की ये प्रेरणा उनको मिली वहीं बकरों के टापू पर शिवनंदन प्रसाद मंडल का जो शपथ ग्रहण था उसी शपथ ग्रहण से मिला उसी से प्रेरित हुए उसी से उन्होंने और मैंने हमें लगता है ये एक बहुत ही हिम्मत वाली बात थी ये आम इंसान के वश की बात नहीं थी कि अंग्रेजों के बीच जाकर के वहां तिरंगा फहरा देना और ये हमें लगता है कि जो किसी को हिम्मत नहीं होती जबकि उसका अंजाम वो निश्चित रूप से जानते होंगे कि इसके बाद हम फिर नहीं बचेंगे फिर तिरंगों जो वहां थे तिरंगा फहराने के बाद जो उनके साथ हुआ इस अंजाम से हमें लगता है पहले से वो वाकिफ होंगे कि उसके बाद हमें जो है जान भी गंवानी पड़ेगी और उनके जो प्राण फकीर उड़ गए उसके बाद इतिहास में जब हम लोगों का 4 साल के बाद जब आजादी मिली तो आप ये जानिए आपके दर्शक को भी ये जानकारी मिले कि आजादी का जश्न हम लोग सब दिन मनाते हैं 15 अगस्त को सर लेकिन लाल किला पर झंडा पहली बार 1947 में 16 अगस्त को नेहरू जी ने फहराया था इसका कारण यह है कि 15 अगस्त को पहले जो राष्ट्रपति भवन है उस पर फहराया गया और मैंने इंडिया गेट के सामने में 2 बजे से झंडा फहराया गया थोड़ी थोड़ी वर्षा हो रही थी वो इंद्रधनुष लग गया था बहुत सुहाना मैंने समय था मौसम था जी। उसी में टाइम इतना लगा कि वो मैंने शाम हो गई इसीलिए 16 अगस्त को नेहरू जी ने जश्न मनाया था और वही 16 अगस्त को मधेपुरा में उन दोनों जगहों पर जहां शहीद चुल्हाय ने खून की उल्टी की थी वहां पर मधेपुरा के लोगों ने उनको सम्मान देने के लिए उस शहीद को वहां पर तोरण द्वार बनाया था और लिखा था शहीद चुल्हाय द्वार दोनों जगह पर हाँ और आज की तारीख में वो मैंने समझिए कि वो जो तोरण द्वार बना उसके बाद वो इतिहास के पन्ने में दब गए 1981 ईस्वी में पहली बार जब जिला का उद्घाटन हो रहा था 9 मई को उसमें अध्यक्षीय भाषण में बीपी मंडल साहब ने नाम लिया उनका शहीद चुल्हाय का बाजा शाह का और लोग जो क्रांतिवीर थे उन लोगों का नाम लिया शहीद चुल्हाय का नाम मैंने पहली बार वहीं सुना बाद में मैंने वो किताब लिखी बूंद बूंद सच एक सागर का भूपेन्द्र बाबू की जीवनी उसमें लिया उसके पहले जो कौशकी क्षेत्र हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष थे साहित्यकार हरिशंकर श्रीवास्तव सलाम उन्होंने मधेपुरा में स्वाधीनता आंदोलन का इतिहास लिखा जिस इतिहास में शहीद चुल्हाय की बाजा शाह की इत्यादि बहुत सारे लोगों की चर्चा की गई है वो इतिहास है और आज की तारीख में मैं SNPM स्कूल के शासी निकाय का सदस्य हूं अध्यक्ष हैं हमारे जो वर्तमान विधायक हैं मधेपुरा के प्रोफेसर चंद्रशेखर जो मंत्री भी रहे हैं आपदा प्रबंधन के उन्होंने जब ये सारी बातें हमसे सुनी तो उन्होंने कहा कि SNPM स्कूल का
के गेट से जो दक्षिण तरफ उत्तर तरफ जहां पर वो खून वॉमिट किए थे वहां भी एक गेट बनाया जाएगा स्कूल में प्रवेश करने के लिए, क्योंकि एक ही गेट रहना ठीक नहीं है। तो उस गेट का नाम उन्होंने पास कर दिया है कि इस गेट का नाम रखा जाएगा शहीद चूल्हा द्वार, ठीक है। और जो राष्ट्रीय छात्रावास राष्ट्रीय लॉज है दक्षिण तरफ जहां पर कि मैंने कमलेश्वरी प्रसाद मंडल सुखासन वाले वो चलाते थे आजादी के दीवानों के लिए होटल और फ्री में, उनके लिए भी एक सम्मान में उधर से एक गेट बनाया जाएगा जिस गेट का नाम रहेगा कमलेश्वरी प्रसाद मंडल द्वार, दोनों के नाम पर, दोनों के नाम जी बिल्कुल, ये सारी बात आ गई है, और इतना ही नहीं आपका जब पहला एपिसोड हुआ तो उस एपिसोड में चूल्हा के बारे में शहीद चूल्हा के बारे में रात में 10 बजे मंत्री जी ने मुझे फोन किया सर कि मैं बिहार सरकार को प्रश्न किया हूं कि आप मधेपुरा के अनुमंडल मुख्यालय में शहीद चूल्हा की आदम कद प्रतिमा लगाएं। बिल्कुल हाँ बिल्कुल, अगर शहीदों के लिए सम्मान जरूरी है तो मधेपुरा में लगना चाहिए। ये प्रश्न आप ही के एपिसोड को सुनने के बाद, पता नहीं वो भी सुनते ही होंगे, तो सुनने के बाद उन्होंने ये बातें मुझसे की। तो इतनी बातें मैं आपके दर्शक को, मधेपुरा टाइम्स के दर्शक को बता दिया अभी कि ये सारी बातें आ रही है। बिल्कुल, हमें लगता है लगनी चाहिए शहीद चूल्हा की आदम कद प्रतिमा, लगनी ही चाहिए। हमें नहीं लगता है कि जो ऐसा शहीद जिसने महज 23 साल की उम्र में खुद को कुर्बान कर दिया, स्वेच्छा से कुर्बान कर दिया, और उसने एक तरह से हमें लगा कि अंग्रेजों का जो दुस्साहस था हमारे देश के लिए, हमारे जो इलाके पर उनका कब्जा था, हमें लगता है कि एक जोरदार चुनौती उन्होंने दे दी जाकर के, कि इस तरह अंग्रेजों के बीच से वो अपने खुद को निकालते हुए ट्रेजरी बिल्डिंग के बरामदा पर जाकर के वो तिरंगा अगर इस तरह और भारत माता की जय कहते हुए वो फिर पकड़े भी गए, और फिर चार दिन के बाद 26 से 30 तारीख को, जैसा सर ने बताया अभी जानकारी दी, 30 तारीख को फिर उनका निधन भी हो गया, देहांत हो गया, और उन्हें उल्टा लटका करके तब तक रखा गया था, खून की उल्टियां कर रहे थे। इतनी हिम्मत हमें नहीं लगता है कि जो किसी और शख्स को इस उम्र में 23 साल में जो देश के लिए कुर्बान हो जाए, हमें लगता है कि मधेपुरा के वो अद्भुत शख्स हैं, अपने आप में विलक्षण हैं और अपने आप में अनोखे शख्स हैं। उनके लिए तो सम्मान बनना ही चाहिए, उनके लिए कई द्वार होने चाहिए, और हमें लगा कि जो एकदम बिल्कुल आदमकद प्रतिमा होनी चाहिए। पहले हम टिप्पणियां ले लें, टिप्पणियां ढेर सारी आने लगी हैं, और इसके बाद हम आते हैं फिर और भी कुछ जानना चाह रहे हैं कि विवेक बिट्टू कह रहे हैं ग्रेट सर, विजय झा सर कह रहे हैं डॉक्टर मधेपुरी सर विलक्षण प्रतिभा के धनी व्यक्ति हैं, नीतीश कुमार कह रहे हैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद, नीतीश यादव कह रहे हैं भूपेंद्र बाबू के चरणों में प्रणाम, आपके लिए इनकी टिप्पणी है, संतोष कुमार कह रहे हैं हाय गुड इवनिंग सर, संतोष शाह कह रहे हैं हेलो सर, सीके ओबराय कह रहे हैं आज मधेपुरा का इतिहास जानकर अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहे हैं कि मैं भी उसी धरती के गोद में खेला हूं, थैंक यू सो मच सर। देखिए ये नई जानकारी सर, ये शहीद चूल्हा के बारे में हमें नहीं लगता था कि सचमुच ये इतिहास के पन्नों में दब गए शहीद चूल्हा, और हमें जैसा कि सर ने जानकारी दी कि 9 मई 1981 को जब जिला बन रहा था तो बीपी मंडल साहब ने अपने संबोधन भाषण में उनके नाम का उल्लेख किया था, उसके बाद सर ने ढूंढ करके इतिहास के पन्नों से उन्हें निकाला और उन पर इतनी ज्यादा जानकारियां इकट्ठी की, जो जिस जानकारी को हम आज सुन रहे हैं और अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि उसी मधेपुरा के हम भी रहने वाले हैं, मधेपुरा के वासी हैं, और ये बिल्कुल अपने आप में एक अद्भुत है और बहुत ही ये सौभाग्यशाली हमें मानना चाहिए कि हम उस मिट्टी के हैं जहां शहीद चूल्हा जैसे लोग हुए थे। और भी बहुत सारे महापुरुष यहां से जो कि धीरे धीरे हम जानेंगे, सर के ही द्वारा हम जानेंगे और ढेर सारे एपिसोड इसमें चलेंगे और हम जानेंगे कि और भी मधेपुरा का इतिहास कितना गौरवान्वित रहा है, कितना स्वर्णाक्षर में लिखने लायक रहा है। माधव कुमार कह रहे हैं सर से एक कार्यक्रम भूपेंद्र नारायण मंडल सर के लिए समय लीजिए राकेश सर,
बिल्कुल सर से हमारी बात है और जो भी मधेपुरा के महापुरुष हैं, जो बड़े बड़े हैं, सर के साथ उनके लिए बिल्कुल कार्यक्रम होंगे। अगली टिप्पणी हम लेते हैं। अगली टिप्पणी में नीरज यादव कह रहे बहादुर की गाथा जरूर सुनाया उसमें भी अपने घर की। संदीप यादव कह रहे मधेपुरी सर को आपको मधेपुरी सर को प्रणाम और साथ साथ आपको ही भैया, संदीप यादव लिखते हैं। तो मधेपुरी सर एक चीज हम जानना चाहेंगे कि चूल्हा यादव तो जो शहीद और उनके बारे में आपने बहुत कुछ लिखा और लोगों को जानने का मौका मिला इतने बड़े और इतने महान शहीद के बारे में, कि दर्शकों को यह भी बताना चाहेंगे कि शहीद चूल्हा के अतिरिक्त और किसी शहीद के लिए आपने क्या इसी तरह का कोई काम किया है? हाँ, एक बात है कि कोई भी वैसी शख्सियत जो क्रांतिवीर चूल्हाई के जैसा हो तो वो क्या सरदार भगत सिंह कम ही उम्र में वो सूली को चूम लिए, तो उन लोगों की बने गाथाओं को शब्दों में बांधना और चंद मिनट में और चंद घंटों में कह डालना संभव नहीं, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है जी। आप जानिए कि जब मधेपुरा के एडीएम हुआ करते थे प्रभु नारायण विद्यार्थी जी, तो उन्हीं की गाड़ी से मैं और जो कौशिकी क्षेत्र हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष रहे हैं और साहित्यकार रहे हैं, इतिहासकार रहे हैं, मधेपुरा के माने इंटेलेक्चुअल जॉइंट में जिनकी गिनती होती थी वो डॉक्टर हरिशंकर श्रीवास्तव सलफ, उनके साथ मैं भी 9 बजे रात में गया था शहीद चूल्हा के गांव। वहां पर न तो उस समय में कोई रोड था, बिल्कुल कच्ची सड़क, उनके दरवाजे पर भैंस बंधा हुआ और जो भी मैंने उनकी जो भाभी लगती वो जो आई सामने में बुलाया गया तो वो इतना घूंघट डाली हुई थी कि उनका मुंह हम लोग देख नहीं पाए, और जो भी लोग थे उनके मैंने भतीजा और या पोता के उम्र का लोग सब, वो लोग भी मैंने बहुत बात सहम सहम के, उतनी जानकारी भी नहीं थी उन लोगों के पास भी, और बाद में वहीं पर ये चर्चा हुई कुछ जो लोग सचेतन लोग थे उन लोगों के बीच में चर्चा हुई कि ऐसे अपने बीच के महापुरुष को या कम से कम एक चौक चौराहे पर एक प्रतिमा तो लगाइए, तो उसी में वहां के डॉक्टर नरेश कुमार हैं और डॉक्टर जयकृष्ण यादव जी हैं और नरेश बाबू जो सीनेटर हैं, वो तमाम लोग और बड़ाही के मुखिया लोग और ये हमारे विधायक जो है प्रोफेसर चंद्रशेखर वगैरह जितने भी लोग हैं, ये श्यामल बाबू, ये सब हम लोग सब मिल करके वहां पर एक स्थापित किया। विजय कुमार वर्मा भी बार बार जाते थे वहां पर कि हम भी कुछ सहयोग करें, और सबके सहयोग से वो बन करके तैयार हुआ। अभी भी हम लोग हमेशा 15 जनवरी को उनका जन्मदिन है और 30 जनवरी को उनके माने पुण्यतिथि मनाई जाती है, शहादत दिवस है, शहीद दिवस के दिन भी हम लोग वो काम करते हैं, वहां जाते हैं, उनको माल्यार्पण करते हैं। तो जब मधेपुरा में जब यूनिवर्सिटी बना, मैं जब उसका विकास पदाधिकारी नियुक्त किया गया तो उस समय में आरके चौधरी साहब, जयकृष्ण बाबू भीसी के बाद आरके चौधरी साहब वाइस चांसलर बने, और एक अभी जो ऑडिटोरियम आप देख रहे हैं यूनिवर्सिटी का साउथ कैंपस का, उस ऑडिटोरियम के सामने में बहुत बड़ा गड्ढा था बैंक के बगल में, हमको बोले बीसी साहब चौधरी साहब कि इसको बढ़िया एक पार्क बनाइए, भरवाइए, सैकड़ों टेलर मिट्टी भर करके उसको पार्क बनाया। मैंने जब उनसे कहा कि सर इसका नाम शहीद चूल्हा उद्यान रख दिया जाए, तो उन्होंने कहा कि मुझे उसकी जानकारी तो दीजिए, तो मैंने वही किताब उलट करके दिया उनको और वो सुनाया, और उन्होंने कहा कि जो 4 बजे मैं उद्घाटन करूंगा इसको आप लिखाइए शहीद चूल्हा उद्यान, और वही शहीद चूल्हा वहां पर उद्यान है स्थापित अभी भी है, अभी भी है, और उस पत्थर पर जो वाइस चांसलर हुए डॉक्टर ए के राय, उनके समय में जब फारूक अली साहब वाइस चांसलर थे उनके समय में मैंने पत्थर पर लिखवाया, और डॉक्टर जीपी मिश्रा जो जीपी शर्मा
उन्होंने क्रांति गाथा किताब लिखी है, जिस क्रांति गाथा में शहीद चुलाहे के बारे में, बाजा साहू शहीद के बारे में और अन्य जितने भी हैं सहरसा के भी, उन शहीदों के बारे में उन्होंने लिखी है कविताएं। तो यह तो समय बहुत लंबी कविता सुनाने की नहीं है, लेकिन मैं जीपी शर्मा साहब के द्वारा जो मैं उस पत्थर पर लिखवा दिया हूँ वो कविता मैं आपके दर्शकों को सुनाना चाहता हूँ कि प्रखर ग्राम मनहरा सुखासन, प्रखर ग्राम मनहरा सुखासन, फूल चंद थे एक किसान और उनका पुत्र चुल्हाई यादव ने रखा धरती का मान। मधेपुरा में बीच सड़क पर सत्याग्रही युवक को मार, गोरों ने सुरपुर पहुंचाया, गई अहिंसा सचमुच हार। कंठ कंठ में आज चुल्हाई की उज्जवल गौरव गाथा, उस शहीद ने किया कौस की अंचल का ऊंचा माथा। ये है बात बिल्कुल कि उस शहीद के बारे में ये पंक्तियां मैंने पत्थर पर लिखवा दी है। आप भी अगर जाएंगे ऑडिटोरियम के सामने आप देखेंगे, प्रोभीसी का जो डेरा है उसके सामने से गेट है शहीद चुल्हाए उद्यान, बहुत बड़े पत्थर पर लिखा हुआ है और उस पर ये कविता भी क्रांति गाथा की कविता मैंने लिखी हुई है, गढ़ी हुई है उस पर। हाँ, ऐसे तो मैं एक बार आप ही के दर्शकों ने कहा था कि कुछ कविता या कुछ और बात सुनाने के लिए, हाँ, लेकिन अगर दर्शकों को अगर आपके पास वो टिप्पणी करे कि हाँ सुनाइए तो मैं आजादी के बारे में दो चार सुना दूं। सर ढेर सारी टिप्पणी आ रही है सर, हाँ। और हमें लगता है सुना ही दिया जाए उसके बाद फिर टिप्पणी पढ़ेंगे, ये हमारे लिए हम समझते हैं कि बहुत ही एक सुनहरा मौका है कि सर से हम सुने उस समय के आजादी से संबंधित जो है कविताएं सुने। आजादी के संबंध में जो उस समय का चित्र है उस चित्र आपके सामने से गुजरने लगेगा। मेरी ही कविता है यह कि रे चला जंग 100 वर्षों तक, तब मिली मुल्क को आजादी, डटे रहे पर हटे न कोई, युद्ध वीरवर वे फौलादी। पर्वत से वे अचल अधिक थे, जैसे कि शहीद चुल्हा भागा नहीं, पर्वत जैसा हिमालय जैसा अचल रहा। पर्वत से वे अचल अधिक थे, कोई भी डोला न कभी रे, जेल सेल कोरे सूली तक मुंह अपना खोला न कभी रे। और बहुत लंबी कविता है, हैदर की है, टीपू की है, वो वाजिद अली, इन सब की कविता है। गोखले तिलक गांधी सुभाष, नेहरू लोहिया जयप्रकाश, सभी दीवाने आजादी के, कर दिया एक छिति महाकाश। महिलाओं के लिए भी उसमें है बहुत पंक्तियां हैं, चार पांच पन्ने की कविता है ये। उज्ज्वला ननिवाला सरोज, मधुप्रीति लता शोभा रानी, शांता सुनीति सुरेनु, बन लता सुचेता कृपलानी, रे लड़ी खूब मर्दानी सी, सन्नो बन झांसी की रानी। ढेर सारी बातें हैं, इनके गर्जन से सप्त सिंधु के पार शत्रु का सिंहासन, डोलने लगा रघुवर सर से, निस्तेज हुआ युग का रावण। और अंत में मैं कहना चाहूंगा कि आओ सब मिलकर बंधु करें आजादी का सत अभिनंदन, इसके ललाट पर करें नित्य अपने अनंत श्रम का चंदन, अपने अनंत श्रम का चंदन। आजादी ऐसी प्यारी चीज होती है, जान से भी प्यारी होती है, जिस आपने सुन लिया उस गाथा को। और आप अभी यूक्रेन में देखते हुएगा 94 वर्ष की एक बूढ़ी महिला वो ट्रेनिंग ले रही है बंदूक छोड़ने के लिए कि हम अपनी आजादी को हरगिज मिटा सकते नहीं, चाहे उसकी जान रहे या न रहे। हम लोग तो अभी 94 के हुए नहीं है, हम लोग तो बहुत कुछ कर सकते हैं। चुल्हाए करके चला गया, वाजा साह करके चला गया। नहीं, हमें तो ये भी लग रहा है सर कि आप जिस तरह जो इतिहास के पन्नों में जो दब गए थे जो यहाँ के मधेपुरा के, और उन्हें आप अभी जो प्रस्तुत कर रहे हैं, उन्हें आपने ढूंढ कर निकाला और उन पर जो रचनाएं आपकी लिखी हुई हैं, और जब सुनेंगे हमारे दर्शक या मधेपुरा के लोग जब उन रचनाओं को पूरी तरह सुनेंगे तो हमें लगता है कि ये आपका एक अद्भुत कार्य जो है, हमें लगता है कि ये मधेपुरा के लिए काफी एक, हमें लगेगा जो कि
ये मधेपुरा के लिए एक अद्भुत बात होगी और मधेपुरा के लोगों के लिए जो है आपकी जो ये कहानी जो आप सुनाते हैं, हमें लगता है कि जो 20 साल बाद भी, 25 साल बाद भी, 50 साल बाद भी उन्हें YouTube और Facebook के पन्नों पर वो कहानी आपका इस लाइव कार्यक्रम के बारे में मिलेगा और वो जान सकेंगे कि मधेपुरा का इतिहास क्या था। मधेपुरा सर, एक चीज हम पहले टिप्पणी ले लेते हैं, फिर हम प्रश्न अगला करते हैं। इजाजत लेने से पहले हम और भी प्रश्न करेंगे, चूंकि शहीद चौलाहे के बारे में जाने और भी कुछ जानना चाहेंगे, लेकिन टिप्पणियां ढेर सारी आ रही हैं कि कह रहे हैं नीरज यादव बहादुरों की गाथा जरूर सुनाया, उसमें भी अपने घर के नीरज यादव दूसरे नीरज यादव ये हैं, ये कह रहे हैं ये हमारे गांव के लिए बहुत गौरव की बात है। लगता है नीरज यादव उसी गांव के शहीद चौलाहे के, और कहते हैं शहीद चौलाहे अमर रहे। पप्पू कुमार कह रहे हैं मधेपुरा के इतिहास की जानकारी देने के लिए आप सबको बधाई, मधेपुरा के इतिहास को संजोने की कृपा करें। पप्पू कुमार कह रहे हैं बिल्कुल हम सजो रहे हैं और बिल्कुल हम इसे संजो करके रखेंगे हमेशा। एमके मशाल कह रहे हैं वो आपने जो कहा था कि इसे अगर हम सुनाए या नहीं, तो उसी पर कह रहे हैं सुनाइए सर अहो भाग्य, वो सुनाने के लिए कविताएं। सर एक चीज मधेपुरी सर हम ये चीज जानना चाहें कि शहीद चौलाहे के बारे में आपने इतनी रोचक जानकारी दी कि हमें लगता है कि दर्शकों के लिए ये एक जो है हमें एक खजाना की तरह था। ये दर्शकों को यह भी बताना चाहेंगे शहीद चौलाहे के अतिरिक्त और किसी शहीद के लिए आपने इसी तरह का कोई काम किया है। मैं आपके दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उनको और सारी बातें जानने की जिज्ञासा सर और तीव्र होती जा रही है। तो मैं इस संदर्भ में आपको कहना चाहूंगा कि मधेपुरा में जो पार्क है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पार्क जी, स्टेडियम के बगल में, हाँ मंडल स्टेडियम के बगल में, उसके सामने में रमेंद्र कुमार यादव रवि जो सांसद थे उन्होंने अपने कार्यकाल में एक पार्क बनाया था गांधी पार्क जी। उसी पार्क में मैंने एक शहीद पार्क बना दिया जी, जिसका उद्घाटन मधेपुरा के तत्कालीन डायनेमिक डीएम मोहम्मद सोहेल उन्होंने किया था जी, जी। और मुख्य अतिथि के रूप में थे हमारे जिला परिषद के जो अध्यक्षा हैं श्रीमती मंजू देवी और विशिष्ट अतिथि थे उस समय के डीडीसी मुकेश कुमार मिथिलेश कुमार जी। और मेरी अध्यक्षता में वो मैंने संपन्न हुआ था कार्यक्रम, जिसमें आजादी से पूर्व के शहीद और आजादी के बाद के शहीद सबों की चर्चा है, सबका नाम लिखा हुआ उस पर डेट के साथ, किस गांव के कौन है उसके साथ, बाजा शाह वो किशनगंज के, शहीद चौलाहे मनहरा के, उसके बाद शहीद सदानंद तो बाद में हुआ जी, और उसके बाद प्रमोद कुमार वो चामगढ़ के और प्रमोद कुमार दूसरा फुलकाहा के, शंकर रजक मधेपुरा के हाँ, और इसके बाद अभी हाल में आशुतोष कुमार, कैप्टन आशुतोष जो घेलार के हैं वो, और आशीष कुमार ये सुखासन के, आशीष कुमार सिंह। तो ये यहां तक तो आशीष कुमार का नाम, चूंकि वो शिलापट्ट जो है वो समाप्त हो गया, इसलिए मैंने डीएम साहब से बात की है कि एक शिलापट्ट और लगेगा हाँ, जिस पर कि जो नाम आशीष कुमार सिंह ये हाल में हुआ है हाँ, उनका नाम वहां से शुरू किया जाए। ये काम तो मैंने शहीद के लिए किया है यहाँ पर जी, बिल्कुल। और शहीद जिस दिन शहीद दिवस मनाया जाता है मैं वहां जाकर के पुष्पांजलि करता हूं निश्चित रूप से करता हूं। और इसके अलावे एक दिन की बात है कि मैं अपने घर में खाना खा रहा था, कभी कभी मैं जब काम में लगा रहता हूं कुछ लिखता पढ़ता रहता हूं तो उस समय में मैं बिछावन पर ही मैंने कह देता हूं कि यहीं पर खा लूंगा, और नीचे में एक हिंदुस्तान अखबार रख करके मेरी पत्नी उसी पर खाना रख दी और चली गई। वो पानी लाने के लिए, चूंकि
डायबिटिक होने के कारण खाना खाने से पहले गोली खाना पड़ता है। इसी बीच में मैं थाली के बगल में देखता हूं कि सहरसा के शहीद भोला ठाकुर की पत्नी श्रीमती बेचनी देवी बहुत कठिन जीवन जी रही है। मैंने उसे खबर थी उसमें, हाँ खबर था, मैंने हटा करके उसको पढ़ना शुरू किया और पढ़ने जब लगा तो मेरे आंख से आंसू टपकने लगे। जब वो आंख आती है तो पूछती है कि जो इतने देर में क्या हुआ कि आप रोने लगे। तो मैंने बड़ी श्रद्धा के साथ उस अखबार को अलग रख करके दूसरा अखबार लिया और उस पर रख करके खाना खाया कि इस पर नहीं, इसमें शहीद। और उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने अपने एक अभिन्न मित्र कहिए, वो राजेंद्र मिश्र कॉलेज सहरसा के प्रखर समाज शास्त्री और पूरे सहरसा में मैंने ख्याति प्राप्त मैंने व्यक्ति प्रभारी भी रहे हैं आरएम कॉलेज के, मैंने उनसे फोन लगाया, फोन किया कि इस तरह की बात मैं पढ़ा हूं, चैनपुर आप जाकर के जरा सा उस बेचनी देवी की स्थिति को मुझे बताइए। और उन्होंने मुझे दूसरे ही दिन बता दिया कि सर वो चार भाई थे भोला ठाकुर, दो भाई चला गया था उसी समय, वो मैंने बम्बई में ठेला चलाता है, काम करता है, और एक भाई मैंने रोजगार करता है, काम करता है वो पंजाब में, ये भोला ठाकुर की पत्नी है, और एक भाई का एक भतीजा अजय ठाकुर उसको गोद ले ली है, और सरकार की तरफ से उसे एक मैंने इंदिरा गांधी का जो इंदिरा आवास होता है वही आवास दिया गया है, चार पांच धूर इनको अपनी जमीन है, उसी में घर बना हुआ है, और इनको जो 13-14 हजार रुपया मिलता है उसमें अभी इनका मैंने सब कुछ और मैंने दवा दारू से लेकर जितना भी चीज है, और वो अजय ठाकुर उनकी पत्नी और दो बच्चे भी हो गए और तीनों को कोई रोजगार नहीं है, वो सब उसी पर निर्भर करता है, इसीलिए इनको दवा के लिए भी पैसे की कठिनाई हो जाती है। मैं अपने को गौरवान्वित महसूस करता हूं, मैं अहंकार से नहीं, मुझे ऐसी प्रेरणा हुई कि मैं कल चलूं उनको साथ करूं विनय बाबू को, और वहां गया, हाथ में जितनी उंगलियां होती है उससे अधिक, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, उससे अधिक मैंने दिया, उससे अधिक मैंने किया, और बरसों तक उनको आर्थिक तंगी नहीं होने दिया। मैं प्रति माह उनको अर्थ भेजता रहा यहां से, और वो मैंने 102 वर्ष की उम्र में वो पिछले साल निधन उनका हो गया। बहुत बड़ी बात है सर, तो ये भी काम मैंने किया, और आप ये जानिए कि मैं इतना ही नहीं कि मधेपुरा में जो शहीद चुल्हाय मार्ग मैंने बनवाया वो उद्घाटन करवाया उन्हीं से, जिला परिषद की अध्यक्षा मंजू देवी से उन्हीं से उसका उद्घाटन भी कराया था। उसी तरह से सहरसा में मेरा एक विद्यार्थी है गजेंद्र, जो डीएसपी होकर रिटायर किया है, उनकी पत्नी अरहुल देवी वो है वहां की अध्यक्षा जिला परिषद अरहुल देवी। मैंने एक आवेदन लिखा, आवेदन मैंने भिजवाया विनय बाबू को, और विनय बाबू जाकर के वहां आवेदन दिए, उनसे हमारी फोन पर बातचीत कराए, उन्होंने कहा कि मैं इस पर जल्द ही निर्णय लूंगा, और सहरसा के किसी पथ का नाम मैं शहीद भोला ठाकुर करूंगा। हालांकि एक बात है कि एक ही दिन 29 अगस्त 1942 को सहरसा स्टेशन के पास जब आंदोलन हुआ था तो अंग्रेजों की गोली से एक ही दिन 7 आदमी शहीद हुए थे, एक ही दिन मैंने तुरंत। अगर उन 7ों आदमी का मैं नाम नहीं लूंगा तो ये अच्छी बात नहीं होगी, बिल्कुल सर। इसीलिए मैं नाम लेना चाहता हूं उन
सातों शहीद का, जो वो सातों शहीद थे, चैनपुर के भोला ठाकुर, एकाड के हीरो राय, बनगांव के पुलकित कामत और हरिकांत झा, गढ़िया के कालेश्वर मंडल, नडियार के केदारनाथ तिवारी और डपरका के बच्चा मंडल, ये सातों उसी दिन शहीद हुए थे एक ही दिन में। हाँ, एक ही दिन शहीद हुए थे। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि कर भला तो हो भला, बिल्कुल वो विनय डॉक्टर विनय कुमार चौधरी जब मेरे एक फोन पर स्कूटर उठाए और चले गए चैनपुर, और चैनपुर से सारा रिपोर्ट ला करके मुझे दिए, और दूसरे दिन जब मैं यहाँ से पहुंचा तो पहले उनको साथ किया और तब वहां गए, और उस बेचनी देवी को मैं आजादी की जो कविता है वो पूरा पढ़ करके सुनाया, और वो इतना उनके आंख से आंसू टपकते रहे, और आप समझिए कि इतनी, इसीलिए मैं कहा कि कर भला तो हो भला। ये विनय बाबू का लड़का जिसकी उम्र 23 वर्ष है अभी, उसका नाम है सुप्रभात वत्स, वो पहले जो गूगल का पिचाई होता है, पिचाई सुंदर पिचाई, जो सुंदर पिचाई, उससे दो स्टेप नीचे, भारत में दो स्टेप नीचे वो उस पद तक पहुंच चुका है। बहुत बड़ी बात। और उतने में ही, और ये दो तीन दिन पहले विनय बाबू ने मुझसे कहा कि सर ये सुप्रभात वत्स जो है वो लेटरल मेथड से, लेटरल मतलब एक तो होता है डायरेक्ट आईएएस हुआ, 18 वर्ष के बाद वो कमिश्नर बनता है, फिर उसके बाद वो माने सेंटर में पॉलिसी मेकर के रूप में ज्वाइंट सेक्रेटरी बनता है, उस पद पर होम अफेयर्स में ज्वाइंट सेक्रेटरी बना सुप्रभात वत्स। तो इसलिए बहुत बड़ी बात है, तो कर भला तो हो भला। जी बिल्कुल, उनका इस तरह का स्वभाव था, स्वभाव था उनका, स्वभाव था कि शहीदों के प्रति, या फिर आपने जो उन्हें फोन किया तो उस पर वो वहां चले गए, सारी जानकारी तो शहीदों के लिए तो सबको सबको माने भीतर में वो आग जलती रहती है जो कभी नहीं बुझने वाली आग, इसीलिए होनी चाहिए। हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने भी लिखा कि कलम आज उनकी जय बोल, जला अस्थियां बारी बारी, छिटकाई जिसने चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। इसीलिए जो दर्शक बंधु हमारी बातों को सुन रहे हैं, अगर उनकी कलम में ताकत है तो निश्चित रूप से अपने आसपास के जितने भी जो लोग समाज के लिए, देश के लिए कुर्बानियां दी है, उनके संबंध में जरूर लिखें और उनको अमरत्व प्रदान करने के लिए आगे बढ़ें। आप भला करेंगे तो आप भी भला होगा। जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपके तमाम दर्शकों को नमन करता हूं, और अगली तारीख को जो संडे जो अगला जो होगा जी सर, हाँ उस दिन मैं आपको बता दूंगा कि किस चीज जी किस टॉपिक पर फिर आगे हम लोग करेंगे, और सर का सानिध्य मिलता रहेगा, आगे भी हम लोग करेंगे, और जो भी इसमें और भी शहीद या और भी मधेपुरा के इतिहास से, मधेपुरा के भूगोल से, या मधेपुरा से संबंधित जितनी भी चीजें हो सकेगी अधिक से अधिक हम सर से लेने का प्रयास करेंगे, और हम दो चार टिप्पणियों के बाद हम आपसे इजाजत लेंगे। पप्पू कुमार कह रहे हैं मधेपुरा के इतिहास की जानकारी देने के लिए जी, नीरज यादव लिख रहे हैं जी सर मनहरा से ही हैं, ये जो कहे थे मेरे गांव के सही चला है, तो नीरज जी कह रहे हैं मनहरा से, उनका घर मनहरा है। माधव कुमार कह रहे हैं शहीद सदानंद यादव के बारे में बोलिए सर, बिल्कुल आगे हम आगे जो एपिसोड हमारे चलेंगे हम सर से उनके बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। चंदन यादव कह रहे हैं मधेपुरा के अतीत में जानकारी साझा करने के लिए आप दोनों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई हमारे सभी दर्शकों का। और हम इजाजत लेने से पहले हम सर का फिर से हम एक बार सर को कहेंगे कि सर जो है जो ये जो जानकारी हमें दे रहे हैं मधेपुरा के जानकारी के मामले में, भीष्म पितामह या फिर कई सारे लोग मधेपुरा के कलाम भी कहते हैं, डॉक्टर मधेपुरी सर हमारे साथ हैं और आगे भी ढेर सारी जानकारी दे रहे हैं, और ये दो एपिसोड हमारा मधेपुरी सर के साथ एमटी लाइव में, जो कि पहले एपिसोड में आपने सुना होगा मधेपुरा और दौरम मधेपुरा की कहानी, दौरम मधेपुरा की कहानी में बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे, बाद में भी हमने जब जानकारी ली तो ढेर सारे लोगों में कंफ्यूजन देखा, हमने उन्हें कहा कि आपने अगर नहीं देखा है तो एमटी लाइव का वो एपिसोड जिसमें डॉक्टर मधेपुरी सर ने दौरम मधेपुरा की कहानी
सौ ईस्वी के बाद से जो शुरू हुई थी वो एक बार सुनिए और उसको कहानी को कितनी रोचक है ये जानिए। तो पहला एपिसोड हुआ था, दूसरे में हमारे मधेपुरा के भगत सिंह कहे जाने पर शहीद चिल्लाए की बहादुरी की गाथा सर से हमने सुनी। आगे भी हम सर से बहुत सारी जानकारी लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतना समय देने के लिए हमारे दर्शकों को पाठकों को सर। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अपना ध्यान रखिएगा।